नमस्कार बहनों, आज हम उपस्थित हैं आपका ये पेटीकोट चार कली का सिलेंगे। तो देखते हैं, ये कपड़ा मेरा 2.25 मीटर है। इस कपड़े को अब नाप के देखेंगे। फिर ये कपड़े को हम, ये डबल कपड़ा है, ऐसे डबल बी से मुड़ा हुआ है। इसे हम 36 इंच लंबाई लेंगे। इसको ऐसे बराबर फोल्ड करेंगे। देखिए, ये बराबर 36 इंच है। 36 इंच ये कपड़ा काट के हम निकाल लेंगे इसमें। इसमें से ये 1.5 इंच हम डोरी कपड़ा निकालेंगे। पेटीकोट का जो नारा बनाया जाता है डोरी, 1.5 इंच ये सीधा पेटीकोट से निकाल लेंगे, सीधा कपड़े में से, ताकि डोरी में जोड़ न पड़ने पाए, इसलिए हम इसे सीधा ही फाड़ के निकाल देंगे। इसे ये इस कपड़े में से सीधा हम ये फाड़ के 2 मीटर, ये 2 मीटर कपड़ा पूरा सीधा निकला। डोरी हम इसे 1.5 इंच निकाली हूँ। सीधा डोरी निकालने से इसमें जोड़ नहीं पड़ता है, इस वजह से हम इसे सीधा निकाली। अब इस कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करेंगे, सिंगल ऐसे बराबर करके इसे डबल कर ली। हमें इसे 4 इंच कटिंग करना है। साढ़े 12 इंच ये कली ऊपर वाला भाग है, ये इधर से, और वही 12.5 हम इधर से लगाएंगे। साढ़े 12 इंच ये है, ये ऊपर कमर का भाग है और ये नीचे का घेरा है, ये 18 इंच। अब ये तिरछा करके कपड़ा हम इधर से कटिंग करेंगे। अब ये जो नीचे का मोड़ है इसे अलग कर देना है। ये हो गया। अब इसको हम ऐसे जोड़ेंगे। एक सीधा कली है और सीधा कली है और ये तिरछा कली,
चार कली का पेटीकोट ऐसे ही जोड़ा जाता है। देखिए एक सीधा और एक तिरछा कली, दोनों हम ऐसे जोड़ेंगे। तो चल के अब सिल के देखते हैं। स्टार्ट। चार कली का पेटीकोट की कटिंग की थी, ये बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट का ऊपर जिसे हम लेंगे 2.5 इंच, ऐसे मिलेंगे 5 इंच मिलाकर के। बेल्ट में थोड़ा जोड़ना है, इस वजह से पूरा कपड़ा हम इधर से भी निकालेंगे। एक मिनट रुको। ये बेल्ट है, ये बेल्ट इस बेल्ट को हम इसमें जोड़ेंगे ऐसे कपड़ा। टोटल 21 इंच का है, सिलाई करने के बाद ये 20 आएगा। ये कपड़ा है जो कली कटिंग की थी, ये तिरछा कली है। चार कली का पेटीकोट है, ये तिरछा है और ये सीधा है। अब ये पतला वाला जो भाग है, इस पतले वाले में ये पतला वाला जोड़ेंगे और फिर तिरछा एक सीधा लेके दोनों। कली जुड़ गई पूरी, इसी तरह से ये दो कली जुड़ गई और इसी तरह से वो दोनों कली हम और जोड़ेंगे इसमें। सेम उसी तरह से जिस तरह से वो जोड़ी, सीधा और तिरछा दोनों मिला के ऐसे करके हम चारों कली एक साथ जोड़ लेंगे। ऐसे पकड़ के ये बेल्ट लगाएंगे और साथ साथ इसमें हम प्लेट, एक एक प्लेट चार कली में डालते जाएंगे। एक मिनट।
बीच में ऐसे एक चौड़ा प्लेट एक इंच के लगभग में ये चौड़ा प्लेट डालेंगे ऐसे करके ये चारों कली में हम ऐसे बीच में कली के बीच में एक एक प्लेट चारों कली में डालते जाएंगे। इससे ये है कि मतलब बेल्ट मेरा कम हो जाएगा और घेरा पूरा भरपूर आएगा इसका। हर एक कली में एक प्लेट करता हूँ, दो कली जोड़ चुकी, दो प्लेट हो गया। बस इतना सा ये मोड़ के पकड़ के ऐसे डालना है। ये बेल्ट जुड़ गया है, एक एक कली सब प्लेट में है। अब हम इसे साइड से ऐसे मोड़ेंगे, इसको बेल्ट को लेके ऐसे इतना मोड़ेंगे बस, थोड़ा सा ऐसे तिरछा करते हैं। इस तरह बेल्ट लगाने के बाद हम किनारे थोड़ा सा बेल्ट लेके ऐसे मोड़ेंगे। इसी प्रकार हम उस तरफ भी ऐसे मोड़ लेंगे, इस साइड में भी। ऐसे दोनों साइड ये थोड़ा थोड़ा सा मोड़ दी। अब ये किनारा ऐसे करके ये बेल्ट बनाएंगे, पतला सा मोड़ी और इस पर ऐसे ये सिलाई इसके अंदर करेंगे ऐसे। इस तरह से बेल्ट मोड़ेंगे पूरा। ऐसे पतला सा ऐसे मोड़ो, उसके बाद ऐसे करके ये सिलाई अंदर करो ऐसे। और ये ध्यान रहे कि कभी ये चीज मत खींचना, ये चीज हम खींचेंगे तो मेरा ये बढ़ जाएगा। इस तरह से ये बेल्ट लग गया। अब इसे हम साइड की सिलाई करेंगे, इतना ये छोड़ के कम से कम 4 इंच। ये 4 इंच छोड़ेंगे, ज्यादा नहीं छोड़ेंगे, 4 इंच छोड़ के और पूरा ये सिल देंगे साइड से। आगे का बेल्ट के आगे का है ये।
तरह से ये पूरा हो गया। अब ये रहा नीचे का घेरा, जो ये कपड़ा नीचे के घेरे में तिरछा पड़ता है, अब हम इसे कटिंग करके गोल करेंगे। इसे देखिए, जो ये कली सिलने के बाद ये जो बढ़ता है, हम इसे कटिंग करके इसे गोल करेंगे। इस तरह से सबसे परफेक्ट ये नीचे की गोलाई है। चारों कली का फिर से ये चारों कली की कटिंग पूरा हो गया। ये ऐसे गोल इस तरह से अब इस तरह से हम इस पेटीकोट की अपने लंबाई नापेंगे कि हमको पेटीकोट कितना लंबा चाहिए। हमको ये 36 इंच पेटीकोट चाहिए। यहाँ से 36 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे। ये 36 इंच है पेटीकोट, देखिए। ये देखिए 36 इंच। 36 इंच के बाद हम यहीं से निशान पे ऐसे मोड़ देंगे सीधा, पूरा ऐसे करके। ऐसे मोड़ के इस मोड़ को ऐसे मोड़ेंगे। अब नीचे की मोहरी हम सीधा इसी पे बनाएंगे डायरेक्ट। जैसे कि मेरा ये एक सिलाई ये कंप्लीट हो गया मोड़ी का। अब हम इस साइड से सिलाई करेंगे। आप चाहे तो मतलब ये किनारे किनारे बॉर्डर मोहरी बना सकती हैं पूरा, लेकिन हम मोहरी ना बनाएंगे, एक सिलाई इसे किनारे से लगाएंगे। एक सिलाई इधर से किनारे से लगाएंगे। ये देखिए, ये मेरा नीचे ऊपर दोनों सिलाई हो गया है। देखिए, अब आप चाहें तो ये चौक का निशान बना के आप ऐसे ऐसे करके भी ये चार बार मशीन चला सकती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये सीधा सीधा मशीन चलाने पे पूरा मोड़ी बन जाएगा। लेकिन हम ये सीधा नहीं चलाएंगे, हम इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे सीधा सीधा पूरा ऐसे बना देंगे। देखिए तिरछा आप कर दीजिए, एक ही बार चलाने से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम पूरी मोहरी बनाएंगे। देखिए, अगर भी परफेक्ट पूरा बना ले तब। इस तरह ये मोहरी बन गई और पेटीकोट तैयार है। अब देखिए, डोरी निकाली हूँ। 1.5 इंच की लंबाई है चौड़ाई, और पूरा सीधा 2.25 मीटर की डोरी है। ये सीधा निकालने से क्या है कि पेटीकोट में ये जोड़ नहीं पड़ता।
अब इस डोरी में हम ऐसे सीधा बिल्कुल ऐसे दोनों तरफ से फोल्ड करके सीधा ऐसे बनाएंगे।